सो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आ रहा है थोड़ी दाड़ियों में सृष्टि ठाकुर उत्तरम यत्र समुद्र से हिमाद्रि शेव दक्षिणम वर्षम यत्र भारत नाम भारती यत्र संतति हमारा भारत देश जो उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में समुद्र और इस भारत देश में रहने वाले हम सभी भारतीय यहाँ रहते हैं। नमस्कार, मैं सृष्टि ठाकुर हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू का प्रतिनिधित्व करते हुए आज आप सभी के समक्ष मेरे सपनों के भारत पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हमारा भारत देश जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है, वह देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल वंगा है, वह देश जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और सात समुंदर पार परदेशियों को भी अपना ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है, यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। भारत एक विकासशील देश है, लेकिन मेरे सपनों के भारत में मैं भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखती हूँ, जहाँ भारत की एक मजबूत अर्थव्यवस्था होगी, बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्या को पीछे छोड़ भारत भविष्य में एक मजबूत राष्ट्र बनकर सामने आएगा। मैं एक ऐसे भारत का सपना देखती हूँ जहाँ तकनीक जाने वाला युवा अब्दुल कलाम बने, IIT NIT में पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं अपितु इसरो के लिए काम करे, हम फुटबॉल हॉकी कबड्डी खेले तो भारत के लिए खेले, हमारे देश का युवा आगे आए और देश के हित में नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके, रचनाएं ऐसी रची जाएं कि साहित्य का नोबल भारत को ही प्राप्त हो, हम शिष्टाचार यूं अपनाएं कि जापान से पहले भारत का नाम आए और पर्यावरण संरक्षण के साथ अतिथि देव भव की भावना जागृत करने की आवश्यकता है और सिंह की गर्जन की भांति नेतृत्व की क्षमता के साथ मैं युवाओं का आह्वान करते हुए कहती हूँ, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, यह देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। मैं देख रही हूँ सपना एक ऐसे हिंदुस्तान का, जन्म जहाँ पर होगा आखिर एक नए सुखी इंसान का। मैं एक ऐसे भारत का देख सपना देखती हूँ जो बहुत ही ऊंचाइयों और उपलब्धियों को प्राप्त करे, एक ऐसा भारत देश जहाँ महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, एक ऐसा भारत देश जहाँ किसानों को उनकी हर एक सुविधाएं प्रदान की गई हो, एक ऐसा भारत देश जहाँ रोटी कपड़ा मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की कोई समस्या ना हो, एक ऐसा भारत देश जहाँ भारत की शिक्षा नीति ऐसी हो कि आरक्षित उम्मीदवार के बजाय योग्य उम्मीदवार को पहले नौकरी मिले और योग्यता के अनुसार मिले, ताकि भारत देश की तरक्की हो, ना अन्न की समस्या होगी ना भूख का रोना होगा, मेरे सपनों के भारत में हरा भरा सब कोना होगा। आज इस मंच पर मैं भारत की बेटी कहती हूँ कि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी, सत्यनिष्ठ के साथ आत्मनिर्भर भारत को अपनाना है, सत्यनिष्ठ के साथ आत्मनिर्भर भारत को अपनाना है, 2047 तक भारत को कोहिनूर सा चमकाना है, भारत को कोहिनूर सा चमकाना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय देव भूमि हिमाचल। KKHD अखबार भी KKHD दी ऐड है, मैगजीन में जो हर पेज दे KKHD, फेसबुक देखा KKHD, YouTube देखा उस भी KKHD, मैं भी कल Instagram से देखा सी ओदे उत्ते भी KKHD दी ऐड आ रही सी, ए KKHD की हैगा ਨੱਬੇ 41 ਸੱਤ ਸੌ ਤੇਤੀ